नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फोटो या वीडियो भेजे और पाए आकर्षक नाम। बिहार के प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज में जयदीप अहलावत की होगी एंट्री। सहारा ग्रुप में फंसे पैसों को वापस लेने के लिए ऐसे करें आवेदन। भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केनरा बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती। केनरा बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 3000 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट kenrabank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। फोटो या वीडियो भेजे और पाए आकर्षक नाम। अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप वीडियो या फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फोटो या बेस्ट वीडियो ईमेल आईडी itkrisibihar@gmail.com पर भेज सकते हैं और आकर्षक इनाम पा सकते हैं। बता दें कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ वीडियो भेजते हैं तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 के रूप में आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर आप सर्वश्रेष्ठ फोटो भेजते हैं तो प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 700 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शेखर बसु के बारे में। ये एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1952 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। इन्होंने कई परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है, जिसमें परमाणु पुनर्चक्रण संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परिनियोजन, मौलिक विज्ञान परियोजनाएं शामिल हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए भारतीय परमाणु सोसाइटी पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा DAE पुरस्कार और पद्मश्री से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। 24 सितंबर वर्ष 2020 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। बिहार के प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने दिया इस्तीफा। प्रदेश के तेज तरार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आज भारतीय पुलिस सर्विस से त्यागपत्र दिया है, परंतु मैं बिहार में भी रहूँगा और आगे भी बिहार मेरी कर्मभूमि रहेगी। शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद इनकी राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। सहारा ग्रुप में फंसे पैसे को वापस लेने के लिए ऐसे करें आवेदन। सहारा ग्रुप में करोड़ों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं को जो 5 लाख तक निवेश किया था उनके लिए रिफंड सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए गए हैं। अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप भी 50,000 रुपये रिफंड के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको cooperation.gov.in पर जाना होगा और होम पेज पर दिए गए पॉपअप पर क्लिक करना होगा। फिर क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN और कैप्चा भरकर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी भरें, OTP डालें और अंत में दावा फॉर्म सबमिट करें। सत्यापन के बाद आपका पैसा आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। प्रदेश में बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निबंधित किसानों को DBT पोर्टल पर जाना होगा। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर कॉल कर सकते हैं। यह इसकी वेबसाइट state.bihar.gov.in/cooperation/citizen पर जा सकते हैं।
बिहार के कई जेलों में हुई छापेमारी। बिहार के कई जेलों में छापेमारी की गई है, जिसके चलते हड़कंप मच गया। पूर्णिया सेंट्रल जेल में डीएम और एएसपी ने बड़ी संख्या में पुलिस बलों के साथ छापा मारा था, जहां सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं मिला, लेकिन 13 कैदियों की गतिविधि संदिग्ध पाई गई है, जिन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। दरभंगा मंडल कारा और बाढ़ उपकारा में भी औचक निरीक्षण किए गए, जहाँ बाढ़ जेल से एक मोबाइल और नशे की सामग्री बरामद हुई। मोतिहारी सेंट्रल जेल में भी छापेमारी हुई, जिसमें चाकू, कैंची और मोबाइल जैसे आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। जिलाधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सात आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद मुख्य जांच आयुक्त सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को दी गई है। वहीं परिवहन विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को सौंपी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग में सचिव की जिम्मेदारी आसिमा जैन को मिली है। तय समय सीमा के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर सरकारी भवनों पर होगी कार्रवाई। बिहार में स्मार्ट मीटर लगवाने को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रही है। सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस तय सीमा तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर सरकारी भवनों के बिजली कनेक्शन भी काट लिए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में ऊर्जा सचिव के आदेश पर हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर और ईएसएल जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जा रहे हैं। जानिए पैन, टैन और टीआईएन में क्या है अंतर। पैन कार्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड में हमारी कई अहम जानकारियां होती हैं, जो इसे विभिन्न वित्तीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसका उपयोग वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन के अलावे टैन यानी TAN और TIN यानी तीन भी होता है। टैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर है, जो 10 अंकों का होता है, जिससे आयकर विभाग ही जारी करता है। इसके अलावा टीन यानी TIN टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 11 अंकों का होता है, जिसका उपयोग अंतर राज्य बिक्री लेन देन में किया जाता है। इसके पहले दो अंक राज्य को दर्शाते हैं। बीएसईबी ने 10वीं ओपन स्कूल परीक्षा की तारीख बदली। बीएसईबी ने बिहार ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन सेकेंडरी परीक्षा जून 2024 की तारीखों में बदलाव किया है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ओपन स्कूलिंग परीक्षा, जो पहले 25 सितंबर 2024 को निर्धारित की गई थी, अब 27 सितंबर 2024 को होगी। ये निर्णय कुछ आवश्यक कारणों से लिया गया है। छात्रों से अनुरोध है कि वे नई तारीख की जानकारी के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रिवाइज शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बिहार में मिशन टोटल सेग्रीगेशन की हुई शुरुआत। बिहार में मिशन टोटल सेग्रीगेशन का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने किया है। इस अवसर पर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पटना में 375 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल होंगी। ये टीमें हर घर से सूखा और गीला कचरा अलग अलग उठाएंगी। उन्होंने बताया कि 500 स्कूलों के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा गया है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नगर निगम को प्रॉफिट यूनिट बनाना होगा। कचरा प्रबंधन को सफल बनाने के यदि 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी तो वित्त विभाग इसे देने को तैयार है। विभाग में 4 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। बिहार में 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन परियोजनाओं की जानकारी ली। बता दें कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा पथ से बोधगया राजगीर संपर्कता, इन परियोजनाओं के तहत कुल 1575 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बिहार में 263 किलोमीटर सड़क शामिल है। इन परियोजनाओं पर लगभग 74,734 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है।
मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज में जयदीप अहलावत की होगी एंट्री। बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी की सुपरहिट सीरीज द फैमिली मैन को आज 5 साल हो गए हैं। फिल्म के पहले सीजन की सफलता के बाद मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी बनाया। दोनों पार्ट्स की सफलता के बाद अब मेकर्स ने द फैमिली मैन 3 की शूटिंग कर दी है। तीसरे पार्ट को लेकर अब जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं उसके मुताबिक इस सीरीज में बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत की एंट्री होती नजर आ रही है। इस सीरीज में जयदीप अहलावत की एंट्री से उनके फैंस बेहद खुश हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने 8 शिक्षकों को जारी किया नोटिस। बिहार में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है, बावजूद इसके कई स्कूलों में विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा और मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं बढ़ती ही जा रही है। कई विद्यालय में तो प्रधान शिक्षक बच्चों की उपस्थिति 12:40 तक दर्ज नहीं करते, जिससे मध्याह्न भोजन में उपस्थिति बढ़ाकर सरकारी खजाने को लूटा जा सके। हाल ही में सुपौल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने 2 विद्यालय के 8 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय डेह टोला लाउर में प्रधान शिक्षक स्कूल से गायब थे और शिक्षकों ने पाठ्य टीका उपलब्ध नहीं कराया। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय सोनक में भी स्थिति समान थी। DPO ने इसे घोर अनुशासनहीनता करार दिया है। मानसून की सक्रियता कमजोर होते ही बड़ी उमस भरी गर्मी। प्रदेश में मानसून के अंतिम चरण में इसकी सक्रियता पहले से कमजोर पड़ गई है। मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ते ही कई जगहों पर उमस भरी गर्मी का एहसास होने लगा है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तर पूर्वी बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री और कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। 20 सितंबर से गूगल इन जीमेल अकाउंट को कर सकता है बंद। 20 सितंबर को गूगल लाखों जीमेल अकाउंट्स पर कार्रवाई करने जा रहा है। इस कार्रवाई के तहत कई जीमेल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। ये वे अकाउंट्स होंगे जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं। कंपनी ने नए नियम जारी किए हैं जिसके तहत 2 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट किया जाएगा ताकि सर्वर स्पेस को फ्री किया जा सके। यदि आप अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे। इसके लिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें, कोई मेल खोले या किसी को मेल भेजे। इसके अलावा गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव या यूट्यूब का उपयोग भी कर सकते हैं। पटना के निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे मनेर से लेकर मुकामा तक बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले 4 दिनों से गंगा का बहाव खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। बाढ़ के कारण बिंद टोली गांव में लगभग 100 घरों में पानी भर गया है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 1.47 मीटर यानी 1.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर है। मनेर और दीघा घाटों पर भी जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, जिसको देखते हुए शासन ने स्थिति को संभालने के लिए कुछ नावों की व्यवस्था की है। राजद के सदस्यता अभियान में लालू यादव समेत कई नेताओं ने ग्रहण की सदस्यता। राजद ने सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान वे दिल्ली में थे। वहीं पटना से तेजस्वी यादव ने इस अभियान का संचालन किया। इस अवसर पर पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती समेत कई नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश भर में राजद का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। राजद अपने पथ पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इस दौरान लालू यादव ने वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया। नवादा अग्निकांड, नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में हुए अग्निकांड की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि खबर लिखे जाने तक पुलिस ने आग लगने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गहराई से जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। बता दें कि प्रारंभिक जांच में आगजनी का कारण भूमि विवाद बताया गया है। नीतीश कुमार ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है।
राजद के कई नेताओं का पटना में ट्रैफिक एसपी ने काटा चालान। पटना में राजद के सदस्यता अभियान के दौरान ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने आरजेडी कार्यालय के बाहर कई नेताओं की गाड़ियों का चालान काट दिया। गुरुवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। इस दौरान जब पार्टी के विधायक और नेता द्वारा सड़क पर उतर कर बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी की तो एसपी ने चालान काट लिया। उन्होंने विधायकों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और चालान प्रक्रिया के दौरान नेम प्लेट के कवर हटाने का निर्देश दिया। इस एक्शन से आरजेडी में हड़कंप मच गया और नेताओं ने सवाल उठाए कि जदयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। नवादा कांड में जीतनराम मांझी के आरोप पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का पलटवार। बिहार के नवादा जिले में आग लगी की घटना सामने आई जिस पर कई लोगों ने दुख जाहिर किया है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। इस मामले को लेकर जीतनराम मांझी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नवादा कांड में यादव समाज शामिल है। मांझी के इस बयान पर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का पलटवार सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नवादा में जो घटना घटी वो काफी दुखद है। जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो बात कही उसका तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। मांझी और उनके बेटे आरएसएस स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए जो आरएसएस वाले थमाते हैं वहीं आकर बोलते हैं। वहीं इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने महादलितों के घर जलाने की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, जीतनराम मांझी भ्रमित कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन समाज के लोग थे और ये घटना क्यों हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन। बीते दिन भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन नाबाद 102 और रविंद्र जडेजा नाबाद 86 ने मिलाकर सातवें विकेट के लिए 195 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए। हालांकि भारत की शुरुआत खराब रही, कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। हालांकि यशस्वी जायसवाल 56 रन और ऋषभ पंत 39 रन बनाकर थोड़ी राहत दी, लेकिन अश्विन और जडेजा ने भारतीय पारी को संजीवनी दी जिससे टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2009 में मराठी फिल्म हरीश चंद्राची फैक्ट्री को ऑस्कर अवार्ड्स की विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया था। आज के दिन वर्ष 2012 में भारत की राजभाषा हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। आज के दिन वर्ष 1897 में नाना साहब परुलेकर का जन्म हुआ था, ये एक मराठी पत्रकार थे। आज के दिन वर्ष 1921 में अजीत राम वर्मा का जन्म हुआ था, ये पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। आधार बैंकिंग को लेकर वायरल हो रहा है ये फर्जी दावा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने आधार बैंकिंग में नए अपडेट किए हैं, जिसके मुताबिक अब महीने में कम से कम एक बार आधार से पैसों का लेन देन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कस्टमर का आधार से लेन देन की सुविधाओं को लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। प्रदेश के इन 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। बिहार में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण और अन्य मुद्दों को शीघ्र निपटाया जाए जिससे एक्सप्रेसवे के निर्माण में देरी ना हो। आपको बता दें कि जिन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर बैठक हुई उसमें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे शामिल है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी है 12 सितंबर, ऑप्शन सी है 13 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। इसका सही उत्तर है 13 सितंबर। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए है सुलेमान करारानी, ऑप्शन बी है दाऊद खां करारानी,
ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है बहार खां, इसका सही उत्तर है दाऊद खां कररानी। निम्न में कौन बिहार विधान परिषद के दो बार अध्यक्ष रहे हैं? ऑप्शन ए है राम गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है उमेश्वर प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी है अरुण कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर पृथ्वी चंद्र, इसका सही उत्तर है राम गोविंद सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विजय, राजीव कुमार, नवल किशोर झा, अब्दुल मनन, अंशु कुमारी, सोनू यादव, मुकेश यादव, संजीव कुमार, मोतीलाल कुमार, प्रदीप पंडित, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार, सपना कुमारी, सादुल्ला पालवी, रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।